हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे जावा में इफ एल्स प्रोग्राम के थ्रू हम अपने इस कोड को रन कराएं। यानी कि मैं अपना प्रोग्राम ये है कि कोई जैसे स्टूडेंट है तो उसको कुछ मार्क्स मिले हैं, तो हमको ये चेक कराना है कि वो पास है या फेल है। या ऑप्टेन मार्क्स से वो अगर ज़्यादा हुआ तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो उसका हम प्रोग्राम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट कराएंगे पैकेज को, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। देन हम क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि जावा में क्लास नेम का जो फर्स्ट करेक्टर रहता है वो कैपिटल रहता है, तो यहाँ पे हम इफ एल्स लेंगे, क्योंकि इफ एल्स का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इफ एल्स नाम ले लिया है क्लास का। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं क्लास का। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS यूज़ किया। तो इसका मतलब हम समझते हैं, सबसे पहले मैं वॉइड मेन को समझाता हूँ। वॉइड मेन यानी मेन फंक्शन है, जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में हमारा होता था। वॉइड यानी नल, यानी वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब हम पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक मतलब कि वो जो मेन फंक्शन है वो पब्लिकली डिफाइन है, हर जगह उसको हम यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकली डिफाइन है। और स्टैटिक, स्टैटिक यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, यानी कि वो डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। एक बार जो डिफाइन हो गई मतलब डिफाइन हो गई। और अब हम देखेंगे मेन फंक्शन जो आर्गूमेंट्स ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, ARGS भी ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि जावा में जो भी चीज़ हम देते हैं इनपुट या जो भी हम उसको प्रोवाइड कराते हैं आर्गुमेंट्स, तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना रखा है। देन हम उसके बाद वेरिएबल्स बनाएंगे। इंट मार्क्स ऑप्टेन, ये एक हमने फर्स्ट वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है। देन सेकेंड वेरिएबल हम पासिंग मार्क्स, ये हमने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के बना लिए। देन अब हम पासिंग मार्क्स इक्वल टू 40, तो हमने पासिंग मार्क्स को 40 डिफाइन कर दिया, मतलब 40 नंबर जिसको मिलेंगे, जिस बंदे को मिलेंगे वो पास हो जाएगा। देन स्कैनर, तो स्कैनर क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, और देन न्यू स्कैनर, ये हमने उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, और सिस्टम डॉट इन इसको आर्गुमेंट में दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनर का हमने क्या बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इनपुट। तो यहाँ पे अब हमको ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो स्कैनर स्कैनर है वो क्लास है, तो जो भी क्लास रहता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रहता है। देन हमने इनपुट किया, फिर नेक्स्ट स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में, जैसे सी में प्रिंट एफ जो वर्क करता था और सी प्लस प्लस में प्रिंट सी आउट जो वर्क करता था, वही वर्क यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का है। तो सिस्टम का क्या है कि सिस्टम एक क्लास है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और आउट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन एक मेथड है या फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो इसको हमने क्या वैल्यू दी, इनपुट मार्क्स स्कोर। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं क्या कि कितने मार्क्स उसको उसने ऑप्टेन किए हैं। देन मार्क्स ऑप्टेन इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। इनपुट मार्क्स ऑप्टेन क्या था हमारा, ये एक वेरिएबल था जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। अब हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट ये क्यों लिखा, तो इनपुट जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जावा में कुछ भी काम जो करता होता है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, तो हमने इनपुट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया स्कैनर क्लास के लिए। और नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट क्या होता है कि जैसे कि हमको सी प्लस प्लस में कोई वैल्यू को इनपुट लेना पड़ता था, तो हम सी इन करके लिख देते थे तो वैल्यू को इनपुट ले लेते। सी प्लस प्लस में जैसे इंटीजर के लिए हम परसेंट डी लगाकर उसको स्कैन एफ कराते थे, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी लगाकर उसको डिफाइन करते थे, इसी प्रकार जावा में अगर हमको सिर्फ इनपुट में इंटीजर वैल्यू लेना है तो उसके लिए नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करते हैं, और अगर कैरेक्टर लेना है तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, तो इस टाइप नेक्स्ट कैर का यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रिंग लेना है तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जावा में। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया। देन अब हमने इफ एल्स की कंडीशन डाली, इफ मार्क्स ऑब्टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पासिंग मार्क्स, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
यू पास्ट द एग्जाम, और एल्स पार्ट में हम क्या दे देंगे, एल्स पार्ट में हम दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड टू पास, यू फेल्ड टू पास द एग्जाम। तो इस टाइप से अब वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या, अब जैसे यूजर ने मान लीजिए 5 वैल्यू दी, तो वो चेक करेगा क्या 540 से बड़ा है या बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पास करा देगा, और कंडीशन फेल हुई तो फेल करा देगा। देन हमने मेन फंक्शन क्लोज किया, क्लास भी क्लोज कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करेंगे। तो सेव एस किया, अब सेव एस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमने इफ एल्स, क्लास का नाम इफ एल्स दिया था, इफ एल्स डॉट जावा, तो ये हमने इसको सेव कर दिया अपने प्रोग्राम को। तो क्या है, जावा का प्रोग्राम को का जो नेम रहता है सेम एज इट इज़ क्लास नेम रखना पड़ता है सेव करने के लिए, ये केस सेंसिटिव है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे, तो हमने कंपाइल कराया, देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाया उसने। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एग्जीक्यूट कराने पे आप देख सकते हैं कि हमको क्या मिला, इनपुट मार्क्स स्कोर्ड बाय यू। तो जैसे अब मान लीजिए हम 35 डाल देते हैं, जैसे ही डाला अनफॉर्चुनेटली यू फेल टू पास द एग्ज़ाम। तो अब हम एक बार और इसको रन कराते हैं, और इस बार हम पास होने की कंडीशन डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने 90 डाल दिया, यू पास द एग्ज़ाम। तो इस टाइप से इफ एल्स का यूज़ करके आप कई टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल था। तो इस टाइप के प्रोग्राम को और सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जावा के और भी अच्छे प्रोग्राम सीखें। थैंक यू।